नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंपटीशन कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पर 21 फरवरी 2020 से एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है, सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम, जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। तो आज के इस वीडियो में सबसे ज़रूरी जो आज हम बात करने वाले हैं वो ये होगा कि इसका शेड्यूल किस प्रकार से होगा, कब वीडियो मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपके मन में सवाल आ रहा होगा। और जाहिर सी बात है सवाल ये भी आ रहा होगा कि इस मेंस प्रोग्राम में हमको मिलने क्या वाला है, क्या हम पूरा पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम जो है वो किस तरह से चलने वाला है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, सीजीपीएससी के मेंस पेपर में आपके 7 पेपर हैं, 7ों पेपर के संपूर्ण सिलेबस को कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये हो गई पहली बात। अब यहाँ पर कवर किस तरह से करेंगे, हम आपको इस मेंस प्रोग्राम में सिखाने वाले हैं कि एक अच्छा उत्तर किस प्रकार से लिखा जाता है। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर होगा, क्योंकि पढ़ते तो हर कोई है, सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है वो टॉपिक को हर कोई पढ़ता है, लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि क्या जो मैं उत्तर लिखूँगा या क्या जो मैं उत्तर लिखूँगी क्या वो सटीक उत्तर होगा या नहीं। तो हमारा पूरा फोकस ये होने वाला है कि एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाता है। ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव इस मेंस प्रोग्राम का। दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें यहाँ पर मेंस प्रोग्राम का, तो बहुत सारे बच्चे दूर दराज एरिया में रहते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते, बड़े शहरों में नहीं आ पाते, तो उनके लिए भी ये प्रोग्राम किस तरह से एक बहुत ही उपयोगी कारगर हो सकता है, इस बात पर भी फोकस किया गया है। आपको यहाँ पर उत्तर लेखन का अभ्यास करवाया जाएगा। कैसे करवाया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे डिस्कशन कम्युनिटी और यूट्यूब चैनल दोनों एक दूसरे से लिंक होकर हम आपके लिए काम करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से कुल मानकर आप चल लो कि इस मेंस प्रोग्राम में जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, 2 नंबर के उत्तर कैसे हो सकते हैं, 4 नंबर के प्रश्नों का जवाब कैसे हो सकता है, 8 नंबर के प्रश्नों का जवाब कैसे हो सकता है, 10 नंबर के प्रश्नों का जवाब कैसे हो सकता है, 15 नंबर के प्रश्नों का जवाब कैसे हो सकता है, किस तरह से उसमें करेंट अफेयर का वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, तो इन सारी चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा। 7ों पेपर के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा। अब इस प्रोग्राम को लगभग आपका 70 दिन का प्रोग्राम चलने वाला है, सभी पेपर कवर होने वाले हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी बातें बताऊंगा सारा इस मेंस प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ रिसोर्सेज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली मेरी बात यहाँ पर सुनिएगा, टेलीग्राम चैनल, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस मेंस प्रोग्राम के चलते समय में बहुत सारे ऐसे लिंक्स होंगे, बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस होंगे, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर कॉम्पिटिशन कम्युनिटी सर्च करेंगे तो भी वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका इस सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है टेलीग्राम चैनल, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को ज्वाइन करना है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात था कि यह सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम का शेड्यूल किस प्रकार से होगा। मैंने आप लोगों को एक प्रोमो वीडियो में बताया था कि यह प्रोग्राम लगभग 70 से अधिक दिनों तक चलने वाला है, जिसमें आपके 7ों पेपर को कवर किया जाएगा। फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में जितने फैकल्टीज़ के साथ में आपने पढ़ा था वो सारे फैकल्टीज़ आपको इस मेंस प्रोग्राम में मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको मैं शेड्यूल बताने से पहले एक बातें और बताऊँगा कि इस मेंस प्रोग्राम में देखिए किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सबसे पहली बात, डिस्कशन कम्युनिटी, ये आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे। डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है, कुछ लोग पहले जुड़े भी थे उनको पता होगा कि डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है। जो नए लोग हैं उनको मैं पूरा एक सिस्टम में वर्क करके दिखा दूंगा कि कैसे आप डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़ोगे। जो नए बच्चे हैं या फिर
जो लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा वो कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना हो, मैं बहुत सिंपल वर्ड में समझाऊंगा और बहुत यूज़र फ्रेंडली आपको यह प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि आप बेहतर से वहाँ पर अपना उत्तर लेखन का अभ्यास कर सकें। अब देखिए डिस्कशन कम्युनिटी पर क्या होगा, अभी मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर सिस्टम पर बता दूंगा कि कैसे डिस्कशन कम्युनिटी से जुड़ना है, एक वीडियो और बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब डिस्कशन कम्युनिटी पर क्या होगा, ये हमारी वेबसाइट है competitioncommunity.com पर जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, कम्युनिटीज़ में एक डिस्कशन कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको एक मेंस प्रोग्राम मिलेगा। लेकिन मेंस प्रोग्राम पर क्लिक करोगे उससे पहले आप ऊपर लॉगिन कर लेना, अगर लॉगिन नहीं किए हो तो रजिस्टर कर लेना। कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, वो सारी बातें मैं बता दूंगा। सिर्फ यहाँ पर डिस्कशन कम्युनिटी पर आपको क्या मिलने वाला है उन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो जैसे ही डिस्कशन कम्युनिटी पर मेंस प्रोग्राम में जाओगे तो वहाँ आपको 7 पेपर के ऑप्शन मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। 7 पेपर के नाम लिखे रहेंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3, इस तरह से सारी चीज़ें लिखा हुआ रहेगा। प्रश्न पत्र 1 में 3 भाग, प्रश्न पत्र 2 में 2 भाग, प्रश्न पत्र 3 में 3 भाग, ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि कल आपको शेड्यूल में है पॉलिटी का सब्जेक्ट, आपको पता है प्रश्न पत्र 3 के भाग 2 में है, तो भाग 2 में वहाँ पर टॉपिक रहेगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। तो वहाँ पर जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड नीचे में प्रश्न होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर संविधान के निर्माण या गठन से संबंधित या प्रारूप से संबंधित ये आपको टॉपिक दिया हुआ है। अब इसके नीचे इस टॉपिक पर आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। अब इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया, अब यहाँ पर 2 नंबर के एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाइए इस क्वेश्चन को नीचे में आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं, आप वहाँ पर घर में लिखकर फोटो भी अटैच कर सकते हैं, और जो दूसरे लोगों ने आंसर लिखकर वहाँ पोस्ट किया है उनके पोस्ट पर रिप्लाई भी कर सकते हैं, उनके पोस्ट को आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हो। तो जितने भी लोग यहाँ पर, हज़ारों लोग अगर उस पर रिप्लाई करते हैं, हज़ारों लोग जुड़ते हैं, तो आपको और बेनिफिट मिलेगा, अलग अलग उत्तर मिलेगा कि कौन सा उत्तर ज़्यादा सटीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये तो बात हो गई डिस्कशन कम्युनिटी पर। हालांकि अभी आप लोगों को थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, टेंशन मत लो, डिस्कशन कम्युनिटी पर एक बार मैं सिस्टम के सामने बैठकर आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा तो बहुत आसान लगने लगेगा। एक दो दिन प्रॉब्लम्स होगी लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि डिस्कशन कम्युनिटी पर ही मैं आप लोगों को CGPSC के पेपर का एक फॉर्मेट देने वाला हूँ। वो फॉर्मेट इस प्रकार से होगा कि जब 2 नंबर के प्रश्न है तो 2 नंबर के प्रश्न में कितनी लाइनें होती हैं, वो सारी चीज़ें, 4 नंबर में कितने लाइन होते हैं, कितने वर्ड्स होते हैं, वो फॉर्मेट मैं आपको एक PDF के तौर पर यहीं अटैच कर दूंगा। उसको आप लोग प्रिंट ले लीजिएगा, साथ में रखिएगा, और जो यहाँ आपको प्रश्न दिया जाएगा इन प्रश्नों का आंसर आप लिखते चलिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे तो जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड फैकल्टीज होंगे, जैसे पॉलिटी निखत मैम डील कर रही हैं, तो निखत मैम आपको यहाँ पर आपके उत्तर पर रिप्लाई भी देंगे। अगर आपने कुछ गलती किया है तो उन गलतियों को भी वहाँ पर सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो एक बात तो यहाँ हो गया कि डायरेक्ट जब आप यहाँ उत्तर लिखोगे तो डायरेक्ट आपका मूल्यांकन यहाँ किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, डिस्कशन कम्युनिटी पर जैसे मान लीजिए कि टॉपिक क्रिएट हुआ 21 फरवरी को, ठीक। अब जो टॉपिक 21 फरवरी को क्रिएट हुआ डिस्कशन कम्युनिटी पर, इसके 3 दिन के बाद आपको इसका वीडियो एनालिसिस मिलेगा यूट्यूब चैनल पर। यानी कि जो टॉपिक आपका 21 फरवरी को क्रिएट हुआ था डिस्कशन कम्युनिटी पर, वो वीडियो आपको मिल रहा है 24 फरवरी को यूट्यूब चैनल पर। 3 दिन का आपको यहाँ पर वक्त दिया गया है कि आप इसको पढ़िए, आप इसको पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसका मूल्यांकन हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद इसमें कौन से बच्चे ने अच्छा उत्तर लिखा, किस प्रकार से सुधार होना चाहिए इस टॉपिक से, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से आपको तैयार रहना है, इसका पूरा एनालिसिस वीडियो आपको 24 तारीख को मिलेगा। 3 दिन का गैप यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने बताया ना कि यह प्रोग्राम 21 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो 21 फरवरी से
टॉपिक आपका डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट किया जा रहा है। आपको 5 से 6 बजे तक वो टॉपिक क्रिएट कर दिया जाएगा। मैं बता भी दूंगा कि पॉलिटी के कौन से पार्ट होंगे या फिर जो पहला वीडियोज है आपको किस तरह से मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। और 21 फरवरी जो आपका शेड्यूल था डिस्कशन कम्युनिटी पर, आज 5 से 6 बजे के बीच आपका टॉपिक क्रिएट कर दिया जाएगा। डिस्कशन कम्युनिटी पर जाइएगा और वहाँ पर पढ़िएगा कि कौन सा टॉपिक आपको किस तरह से और कब का पढ़ना है। ट्रस्ट रखिएगा, इस पूरे प्रोग्राम में आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक दूसरे से लिंक करते हुए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए, जब उसका एनालिसिस वीडियो आप देखोगे तो आपके मन के सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक बेहतर उत्तर किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को शेड्यूल बताने वाला हूँ कि शेड्यूल किस प्रकार से चलेगा। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर 15 दिन का शेड्यूल देने वाला हूँ आगे 15 दिनों तक, क्योंकि 15 दिन तक जब मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से दिन कौन से टॉपिक का वीडियो मिलने वाला है और कौन से दिन कौन सा टॉपिक डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट होने वाला है। तो 15 दिन का मैं आपको शेड्यूल दूंगा। शेड्यूल मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह से शेड्यूल चलने वाला है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन जो कम्प्लीट 15 दिन का शेड्यूल होगा कि कौन से दिन पर कौन सा टॉपिक डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट होने वाला है और उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो कब मिलने वाले हैं, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा। वहां आपको आज शाम को 5 से 6 बजे या 15 दिन का शेड्यूल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। शेड्यूल में ध्यान रखिएगा, इस तरह से चीज़ें होंगी। एक होगा आपका सब्जेक्ट एक लाइन में, दूसरे लाइन में होगा टॉपिक क्रिएट ऑन डिस्कशन कम्युनिटी, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, और एक लाइन होगा आपका यहाँ पर वीडियो अपलोड ऑन यूट्यूब। ये 3 चीज़ें होंगी और एक चीज़ होगा यहाँ पर आपका डेट भी होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर 21 फरवरी आज का डेट है, यहाँ पॉलिटी, अब टॉपिक क्रिएट ऑन डिस्कशन कम्युनिटी 21 फरवरी 2020, और वीडियो अपलोडेड यहां पर जैसे मैंने बोला 3 दिन बाद 24 फरवरी। अब यहां पर देखना टॉपिक क्रिएट ऑन डिस्कशन कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ कि पॉलिटी का जो आपको पहला वीडियो मिलने वाला है, और मैंने बताया कि उससे 3 दिन पहले डिस्कशन कम्युनिटी पर टॉपिक क्रिएट होगा, उस टॉपिक को आप पढ़ें और उस टॉपिक से रिलेटेड जो नीचे आपको प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को अटेम्प्ट करें, वहां पर सीखें, उसके बाद सारी चीजों का एनालिसिस आपको 24 तारीख के वीडियो में मिल जाएगा। तो इस तरह से पूरा सीक्वेंस चलने वाला है, सारा शेड्यूल इसी तरह से होगा। आपको 15 दिन का शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग यहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की तरफ बढ़ते हैं। आपको डेली 2 वीडियोस मिलने वाले हैं, एक मिलेगा सुबह 8 बजे, जो शेड्यूल दूंगा उसमें सारी चीज़ें लिखा रहेगा, 6 से 7 बजे के आसपास आप लोग वहाँ से शेड्यूल टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहाँ पर PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक वीडियो आपको सुबह 8 बजे मिलेगा, एक वीडियो आपको शाम को 5 बजे मिलेगा। तो ये 2 वीडियो डेली चलने वाला है, डेली का डेली। संडे का दिन स्पेशल रहेगा, संडे AC राइटिंग का वीडियो एनालिसिस मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा होगा तो वो डिस्कशन कम्युनिटी कर रहा होगा, वो मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना आप लोग। डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है, क्या करना है, कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, वो सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा एक वीडियो बनाकर। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा, सारे वीडियोज़ में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दिए जाएंगे। ये पहला वीडियो शेड्यूल का था। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपके चलने वाले हैं सारे शेड्यूल मैं बोला ना आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। जैसे आज 21 फरवरी है, 21 फरवरी का मतलब आज टॉपिक क्रिएट होगा 5 से 6 बजे तक डिस्कशन कम्युनिटी पर, और इसका जो पहला वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा 24 फरवरी को। हर 3 दिन बढ़ा देना, जैसे 22 फरवरी को भी सुबह 8 बजे की बात मैं कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे आपको पॉलिटी के सब्जेक्ट डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट होंगे और इसका एनालिसिस वीडियो आपको 25 तारीख को मिलेगा। उसी तरह से अगर शाम को 5 बजे वाली बात करूँ तो आपका 21 फरवरी को डिस्कशन कम्युनिटी पर जो टॉपिक क्रिएट होगा
वो होगा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का, और 22 तारीख को शाम को 5 बजे वीडियो वाले के लिए भी छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का जो है टॉपिक क्रिएट किया जाएगा डिस्कशन कम्युनिटी पर, और यूट्यूब पर मिलेगा आपको 24 और 25 तारीख को। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, सुबह 8 बजे वाले में 23, 24, 25, 26, 27, या फिर शाम को 5 बजे वाले में 23, 24, 25, 26, 27। तो इस तरह से 3 दिन पहले टॉपिक डिस्कशन कम्युनिटी पर क्रिएट होगा, और आपको 3 दिन के बाद आपको उसका एनालिसिस वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा। जो लोग एसी वाला जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे डिस्कशन कम्युनिटी पर, उन लोग समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे हो अभी तक, वो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। डिस्कशन कम्युनिटी वाला जब मैं आपको सिस्टम पर सिखाऊंगा कि कैसे सारी चीज़ों को आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वहाँ पर चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, आप लोगों को बहुत यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। घर बैठे आप लोग आसानी से मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं इन 70 दिनों में। मेन क्या होता है, पढ़ते तो हर कोई है ना, लेकिन एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, उस उत्तर का कोई मूल्यांकन करने वाला मिल जाए, उसमें से गलतियां निकालने वाला कोई मिल जाए, यही चीज़ तो मेन होता है ना, वो सारी चीज़ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और एक बात और मैं बताता हूँ कि इसमें तो मैं आप लोगों को शेड्यूल किस प्रकार से होगा, किस तरह से आगे हमसे किस तरह से हमारा ये सफ़र चलने वाला है, इन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। इसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगा कि डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है, डिस्कशन कम्युनिटी पर टॉपिक कैसे होगा, ये दूसरी बात। एक वीडियो आपको मिलेगा कि CGPSE का जो मेंस का सिलेबस है वो क्या कहता है, कितने मार्क्स के होते हैं, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ध्यान में रखा गया है, और जो पहले से मेंस का प्रिपरेशन मेंस पेपर लिख चुके हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है। तो सिलेबस किस प्रकार से है, किस तरह से डिमांड है, कितने मार्क्स में बटा हुआ है, एक वीडियो आपको इस पर मिल जाएगा। अरुण सर बनाएंगे इस पर एक वीडियो। एक वीडियो आपको आकाश सर बनाकर देंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, आपको जो टॉपिक दिए गए हैं 15 दिन का जो शेड्यूल दिया गया है उसको आप लोग किस तरह से पढ़ेंगे, इन सब सारी चीज़ों पर भी आपको 24 फरवरी से पहले ये 2-3 वीडियोस मिलने वाले हैं। अब रही बात, 21 फरवरी से प्रोग्राम शुरू हो रहा था, तो आज 5 से 6 बजे के बीच में डिस्कशन कम्युनिटी पर वो टॉपिक क्रिएट किया जाएगा। डिस्कशन कम्युनिटी पर जाइएगा आप लोग, वहाँ पर उत्तर लेखन टॉपिक को पढ़िएगा, उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिएगा, और उसका एनालिसिस वीडियो आपको मिलेगा 24 तारीख को। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रख के ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। उम्मीद है कि 7ों पेपर के हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, जिसमें मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊँ तो पॉलिटी के आपके लगभग टोटल 4 वीडियोस बनेंगे। पॉलिटी में 2 पार्ट है, एक लोक प्रशासन वाला भी है, तो उसमें भी 4 वीडियोस हैं। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी जो आपका पेपर नंबर 5 का पार्ट 3 है, उसमें आपको लगभग 10 वीडियोस मिलेंगे। तो बहुत ध्यान रखकर और टोटल लगभग आपको ये 70 दिनों में लगभग 180 के आसपास वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अब आप लोगों को काम करना है कि अपने दोस्तों को जोड़ना है, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, जितना से जितना बढ़ा सकते हो उतने लोगों के बीच में अगर आप कॉम्पिटिशन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद एक मेरा वीडियो आएगा जो मैं ये बताऊँगा कि डिस्कशन कम्युनिटी से कैसे जोड़ना है, और इसके अलावा एक वीडियो आकाश सर का आएगा जो वो ये बताएंगे कि एक अच्छा उत्तर लेखन कैसे किया जाता है, एक वीडियो अरुण सर का आएगा जो आपका मेंस का सिलेबस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं शाम को 5 बजे टेलीग्राम पे, आपको वहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा शेड्यूल, और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ आए तो आप लोग कहीं भी यूट्यूब में या फिर कहीं भी कम्युनिटी टैब में या कहीं भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो ऑफिस का नंबर है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट इस प्रोग्राम के लिए। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच। CGPSE की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।